गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राइट, गुड इवनिंग. ओके कार्तिकेय, आई इन्फॉर्म अबाउट दैट आफ्टर एग्जाम, राइट, सॉरी आफ्टर द क्लास, नॉट एग्जाम. ठीक है, चलो. सो आई गेस गाइस, हैव यू गॉन थ्रू दिस असाइनमेंट? टेल मी, हैव यू गॉन थ्रू दिस असाइनमेंट? ट्रायंगल्स में ही मैंने कब पोस्ट किया था? 4th अक्टूबर को मैंने ये पोस्ट किया था, 4th अक्टूबर को, है ना, राइट? दिस असाइनमेंट, हाउ मेनी ऑफ यू गॉन थ्रू दैट? टेल मी, रेज योर हैंड, बिकॉज दिस कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स एज वेल एज कॉन्ग्रुएंसी. मतलब पूरा ट्रायंगल्स था ये, पूरा ट्रायंगल्स था, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी भी था इसमें, है ना? तो आई गेस हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक ट्रायंगल्स तो कवर कर लिया था. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑल्सो, ठीक है, राइट? सो नाउ आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, यस और नो? यस और नो, रेज योर हैंड, है ना? सो सी, राइट, इफ यू टॉक अबाउट द मेन कॉन्सेप्ट, दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, है ना, राइट? देन व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्ग्रुएंसी, वी टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? SSS, SAS, ASA एंड RHS, चार टाइप, राइट? फोर टाइप, यस और नो, है ना, राइट? सो वी डिस्कस्ड ऑल द फोर टाइप्स. सो आई होप ऑल, यस, ऑल ऑफ यू माइट सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स, है ना? हम लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कर रखे हैं, यस और नो? आराम से हम लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल्स कर रखे हैं. ओके, सो व्हाट आई विल डू टुडे इज आई विल डिस्कस द लॉन्ग वाला प्रॉब्लम्स, ठीक है, लॉन्ग प्रॉब्लम्स, राइट? एंड आई विल आस्क यू गाइस टू सॉल्व द शॉर्ट वाला प्रॉब्लम. ओके, एंड वी विल कीप वन क्लास मोर, वन क्लास एक्स्ट्रा टू सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स, टू दीज ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स. ओके, राइट? सो टुडे वी विल बी सॉल्विंग दैट लॉन्ग प्रॉब्लम्स. ओके, लॉन्ग वर्ड प्रॉब्लम्स, बिकॉज शॉर्ट प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व ना, रेज योर हैंड, शॉर्ट प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व. जिया, बिंदु, कार्तिकिया, संध्या, विहान, अनुश्री, आदित्य, सानवी, आकर्ष, वेरी गुड, राइट, है ना? सो शॉर्ट प्रॉब्लम्स, एंड टिल शॉर्ट प्रॉब्लम्स, टिल ट्रू और फॉल्स, यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस, ठीक है? सो वी विल स्टार्ट विथ कॉन्ग्रुएंसी, है ना? वी विल स्टार्ट विथ कॉन्ग्रुएंसी. सो कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस 130 समथिंग. यस, कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट्स विथ 130 समथिंग. यस, ओके, यस, 134. ओके, सो फ्रॉम 134, राइट, वेरी गुड कार्तिकेया, वेरी गुड, है ना? सो फ्रॉम 134 कॉन्ग्रुएंसी विल स्टार्ट. ओके, सो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम दिस. ओके, राइट, सो वी विल हैव वन मोर क्लास नेक्स्ट वीक समवेयर टू डिस्कस ऑल द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स. आई गेस यू विल हैव लॉट्स ऑफ टाइम, है ना? आराम से तुम लोग करना बैठ कर छुट्टी में. ओके, सो लेट अस ट्राई टू सी दिस प्रॉब्लम. इन दिस प्रॉब्लम व्हाट इज गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर? ओके, फिगर 6.42, दिस फिगर वी हैव टू ट्रायंगल्स, वी हैव टू से आर दे कॉन्ग्रुएंट और नॉट. सो लेट अस सी दिस एवरीवन. ओके, आई विल ट्राई टू अनम्यूट एवरीवन. यू डोंट हैव टू स्पीक एट वंस. ओके, जिससे मैं पूछूं वही बताएगा. ओके, सो संध्या, क्वेश्चन नंबर ए, 134 का ए, राइट? संध्या, यू विल आंसर, सो थिंक अबाउट इट. यस सर. हाँ संध्या, टेल मी, आर दे कॉन्ग्रुएंट? यस ऑर नो? थिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक एवरीवन, एंड एवरीवन एल्स कैन मिस इन द चैट बॉक्स. बिंदु, थिंक थिंक, एवरीवन शुड थिंक फर्स्ट, टेक योर टाइम. ओके, सो यू गाइस आर सेइंग नो, ठीक है, लेट अस सी व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन इज गिवन. दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 55 डिग्री, सो व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल? सर दिस एंगल इज, टेल मी, no aditya, this angle is how much, how can it be as less 65 na? 65 plus this 120 plus 60, 180, 65, and what is this angle? Tell me, what is this angle? Sir, 75 degree. 75 degree. Now tell me,
tell me, right? Any two angles are equal? Any two angles are equal? No, right? Anna? No. Makes sense? Yes or no? So, can I say that these two triangles are congruent? No. No, sir. Okay. Yes, got this. Easy enough? Yes or no? Okay. Now, Shrey, tell me question number B. Tell me. Shrey? Shrey, are you there? Shrey is here. Shrey, can you speak? ऐसे तो बहुत बोलते हो श्रेय. ओके श्रेया, कैन यू स्पीक श्रेया? यस सर. या श्रेया, टेल मी बी वन. सो इन बी आर दे कॉन्ग्रुएंट? दे आर कॉन्ग्रुएंट, राइट? सो विच टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? टेल मी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्रायंगल? एवरीवन. Now, angle B is CBD. Yes, angle A and angle B. Angle B is congruent to angle D. Angle D is congruent to angle B. And here the remaining is C. Yes or no? Right? CDB. Correct, Aditya. Yes. Very good. Na? CDB. Because BD is common. So see, BD, DB common. Yes or no? Yes or no? Easy enough? Sir. Right? Okay. Chalo. Very good. Now, third one. Third one, Sanvi. Can you say Sanvi? Third one. I guess Sanvi got disconnected. Tanushree? Tanushree one? Yes, sir. Yeah, Tanushree, tell me. C one. Are they congruent? Yes or no? Yes, sir. Yes, okay. Which congruency? So triangle X. Triangle X, Y, Z is equal to? Congruent to. This is congruent to. Yes, sir. Congruent to L, M, and N. L, M, N, N. Very good, right? Because angle X is equal to angle L. Angle Y is equal to angle M. Right? Then third will be just as it is, right? So this is which congruency? Sir, A. ASA. ASA congruency. Very good, right? Very good. Right? So we have to write angle X is equal to angle L, right? Then XY is equal to ML. Then angle Y is equal to angle M. Right? So two sides and one side. Two angles on one side. They are as ASA congruency. Got it? Very good, Bindu. Very good, Aditya. Okay. Now, fourth one, Tanushree KM. Tanushree KM, fourth one, are they congruent? Tell me, Tanushree. Can you speak, Tanushree? Okay. Kartikeya, can you speak? Kartikeya? Tell me, are they congruent? Congruent. Okay. So Kartikeya is messaging. So anyone who will explain? Okay. So see, what are information is given? Sir, AC is equal to DE given. AC is equal to DE given. Right? Let us see. AC is equal to DE given. Then tell me. Then BC is equal to FE given. Then tell me, angle A is equal to angle E given. Angle A is equal to angle E given. And angle B is equal to angle F given. Now think about it. If you're talking about this angle is equal, but this side is not equal. This side is equal. Okay. And this side and this side is equal, but this angle is not equal. So tell me, Aditya, think about it. Is there any AAS congruency?
Is there any AS congruency? No, but the, it is the, why this was a good problem. Think about it. If two angles are equal, third angle should be equal. Yes or no? Tell me, Jia. Tell me if this angle is equal to this angle, enough, and this angle is equal to this angle, then don't you think that this angle should be equal to this angle? Yes or no? Yes, sir. Yes, makes sense, yes. Na? Right, Priya? Na? Because sum is 180, na? If two angles are equal, then third should be equal. Got it? Yes or no? Yes or no? Sir, how A equals to E? No, A again, right? This is given that E and D are equal. E and D are equal. Yes or no? Here, E and D are equal given. Right, so if E and D are equal, then this side and this side also equal. Yes or no? Yes or no? Right, and here we know that what we know, that if two angles are equal, two triangles, third angle should be equal. Suppose this is 30, this is 60, right, and this is 30 and this is 60, then this angle should be, tell me, what is this angle? Okay, I'll just take it as 40 and 60 then. Sorry, 40 and 60. Then this angle should be? This angle should be? 40. 70 na? Sorry, 80 na? 80, right? 80, correct. Yes. This is also 80. Yes or no? Yes or no? Now tell me, are they congruent? Now you tell me, are they congruent? Yes or no? No, why not? AC is equal to DE. This side is equal to this side. BC is equal to FE. This side is equal to this side. Right? Yes or no? Okay. So here, forget about my example because these two angles are equal. These two angles are equal given, right? So if this is 60, right? This is 40, this is also 40 given because these two sides are given equal. 40, 40, equal given. Right? Enough. So angle C is equal to angle E. Angle C is equal to angle E. Right? Yes or no? Tell me, yes or no? So don't you think it is what? Side angle side? Yes, yes. Enough. Because directly given, nahi hai, but we have to use the concept. Okay? Right? Tanushree, Vihan, Jia, Sandhya. Tell me. Yes, sir. Okay. So Sanvi is not here. Nabil is not here. Then who else is not here? Sanchana is also not here, right? Sanchana. Okay. Chalo. So everyone got this? You raise your hand. Everyone got this? Okay. Now see. Question number E, Vihan. Tell me question number E, Vihan. Can you speak, Vihan? Question number E. Vihan, can you speak? Vihan, are you there? Sir, Nabil is present, sir. Nabil is present. And Nabil, to, why are you not? Saying, yes, right, Nabil is here. Nabil, tell me, E. Sir, thoda network issues. Okay. Sir, I am having some network issues. Sir, which okay. question, sir? E one. Sir, what we have to do, sir, congruency, sir? Yes. You were not here, right, Nabil? Because otherwise you would have discussed. Sir, yes, sir, I got disconnected, sir. I knew, right? Chalo, E1, batao. First of all, which two triangles we have to consider over here? Tell me, which two triangles? That's the first thing, right? Sir, that's what I was going to ask. And that is what you have to think now. Very good. Bindu, correct Bindu. M, N, O. That's the first triangle. M, O. Yes, sir. And P, O, N. Right? These two triangles you have to consider. Very good, Tanushree KM. Very good, Sandhya. Now tell me, in MNO, think about it. This is 50, this is 40, this is 50, and this is 40. Given, right?
है ना, राइट. सो व्हाट इज दिस एंगल, टेल मी व्हाट इज दिस एंगल. दिस एंगल इज इक्वल टू 90. With this angle, I need B. Sir, angle B. How come it is 90? This is sir, 90. 80, sir, 80. This is 50. This is how much? Oh, 90. Sir, 50. Sir, 40. Sir, 40. 40, na? 40. Aray, this is 90. This is 50. Angles of property. 50 degree plus 90 degree plus... Tell me, x is equal to 180 degree. So x is equal to 40 degree. Yes or no? This is 40 degree. Okay, now, what is this angle? What is this angle? Tell me. 40. This is 50, this is 90. So this is again 40 degree. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay, now in triangle MNO, MNO, angle M is equal to angle P. Yes or no? Yes, sir. 40, yeah. 40. Okay. 40, 40. Okay. Then what? Tell me. Sir, angle N is equal to angle O. Sir, angle N is equal to angle O. Angle yes. O. Okay. Then what? What else? Write down. What else? NO is equal to NO. Yes or no? Yes, sir. Right? Sir, common. Sir, yes. NM equals to OP. Then what? Angle? NM equals P? To OP. Wait. I'll just... NO is equal to... Sir. NO is equal to OP kahan se? Sorry, sir. NM equals to OP. NM is equal to OP. Nahi diya hua hai na? Diya hua hai kya kahin pe? Nahi, sir. Then, I'll just write what is given. So, it is given angle PNO. Angle PNO is equal to angle... Tell me. Sir, angle MNO. MON, na? MON. Sir, can you explain? This picture is very confusing. Yes, that's why. That is why, na? Confusing kuch nahi hota. Tumko observe karna hota hai. Observation seekhna hai na hume. Confusing kya hai? Likha hua hai, this angle is equal to this angle. Yes or no? So, with what is this angle? This angle is PNO. Hai na? Right? No, Bindu, you're not audible, Bindu. Okay, and this angle is also 50. So see, this angle and this angle are equal. This angle yes, lies sir. In PNO, you know? And this angle, this yellow wala, lies in MNO. Got it? No, Bindu, you're not audible. Okay, so now. Let me ask you this. Whenever we try to find two triangles of congruent, we have to see either it is SSS, either it is side, or it is angle side angle, right? Or side angle side, or RHS, right? Angle hypotenuse and side, right? Angle hypotenuse and side. Okay, now tell me in this, I've written all the equal informations, all the equal informations. So this side is common. Now, this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle. So which congruency is used over here? Tell me, which congruency is used? Which congruency? RHS ke liye hypotenuse equal hona chahiye na, Tanushree, hypotenuse equal hona chahiye na, hypotenuse OM is equal to PN diya hua hai kya? Tell me. This equal to this given here. Tell me, Tanushree. No, right? So RHS is not used, no? Tell me, RHS is not used, right? So what is used? Tell me, what is used? Sir, this first, right? This angle is equal to this angle. This is first. This is one case. Then, ON is equal to ON, second case. Sir, and then, yes. Angle is equal to angle O. This is third case. So, two angles are one side. Two angles and one side. Which side? Which side? Sir, ON. Yes. So this is not any side, no? This is
साइड इन बिटवीन टू एंगल्स राइट साइड इन बिटवीन दीज टू एंगल्स यस और नो है ना सो इट इज ASA गॉट इट ASA एनी इश्यूज इन दैट आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड नाउ यस सर एनी इश्यूज लिखना है इसको लिख लो लिखना लिखना है लिख लो ये एग्जाम में दूंगा मैं कभी okay now I hope all of you understood this I hope all of you understood this chalo next f1 who will say akarsh tell me f1 yes sir tell me so first of all you have to identify the triangle right what are the two triangles sir oda and ocb oda and ocb And triangle OCB. B. Okay. What all is given? Sir, OD equals to CO. OD is equal to CO given. Okay. Very good. Then. Sir, D equals to C. Angle D is equal to angle C given. Very good. Then. Sir, only this much given. One more information which is not given in the part you have to identify. It is clearly visible. Tell me. No. This angle is equal to this angle. Yes or no? Yes, sir. Right? O equal to O. Yes or no? Angle O is equal to angle O. Why? So vertically opposite angle. Yes or no? So are they congruent right yes or no so triangle ODA is congruent to angle O is equal to angle O so triangle O angle D is congruent to C angle A is congruent to equal to angle B right that you have to ASA congruent that is CBCD yeah, no? so these two are congruent by ASA yes or no Anyone have any doubt in this? Raise your hand. Anyone have any doubt in this? Raise your hand. Okay, clear. Awesome. Very good. Enough? Right? So next. Okay. Again. Very good, Tanushri. Very good. So, 135A. Which two triangles you have to observe? Which two triangles? ACD. Awesome. Very good. ACD. Triangle ACD. Step by step. And... Triangle ADB. ADB, awesome. ADB. Yes. Now, what is given? First of all, write what is given. AB is equal to CA. CA, given. Okay. Given. Then, if this is 90 degree, what is this angle? Sir, 90 degree. 180 minus 90. Yes, linear pair, na? Linear pair, yes or no? So, angle D is equal to angle D, yes or no? Sir, and angle B is equal to angle C, sir. Opposite angles in an isosceles triangle are equal. Yes, or you can say AD is equal to AD. Yeah, by method 1 and method 2. Either you can say AD is equal to AD. Sir, how, sir? Very common. AD is equal to AD. Oh, yes, sir. Right? Or you can say AB is equal to AC. Angle D is equal to angle D and angle C is equal to angle B. Angle opposite to equal sides. Two equal sides. So see how this is congruent in two ways. Yes or no? This is which congruency? This is which congruency? Right angle? Yeah, side.
Which congruence? Sir, but for method 2, sir, which criteria will be used, sir, for method 2? Wait, I will show you. So this is which congruency? Sir, RHS. RHS. Right? But if you write this, this angle, right, this angle. Any other congruence is satisfied? No, right? It is not satisfied, no? Yes, sir, not satisfied. Right? Why I'm writing this? Because Nabil said this, na? Got it, Nabil? Yes, sir. Right? Sir, but for method 2, which criteria? No criteria, no? Again, no criteria. Yes, sir. You cannot do that because SSA, nahi hota hai na? Tell me. Haan, right? Hota, sir. But you can prove again because you have to prove this is equal to this then. Yes or no? Haan, sir. But for further, fir alag se likhna pad jayega na? Okay. Sir, but how can we prove that? This angle is equal to this angle. This angle is equal to this angle. The third angle should be equal, no? Okay, yes, sir. Got it? Yes, sir. Right? But wo extra fir ho jayega. Okay. Now, B1. I guess all of you can solve these problems now. Yes or no? Yes, sir. So, D karte hain, everyone. Let us see question number D. Which two triangles? Everyone should write. Aditya, you are writing. Kaisi movie lekar movie ki tarah baith ke dekh rahe ho sir? Tell me, Aditya, Vihan. Sir, aapne mera naam likha hai sir. Please join karke sir delete kar dijiye. Okay, very good, Bindu. Sir, aapne mera naam likha hai na sir. Delete kar dijiye. Mummy ko lagega main absent tha. Okay, okay. Right, I'll just. Right again. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So now, triangle A, B, C, right? And triangle, tell me, which is second triangle? CDE. Okay. So first of all, we will write what? Given information. What is given information? Sir, AB is equal to 6 centimeter. Is equal to 6 centimeter, right? 6. So this is 8. So, and this hole is 14. What is this? What is this? Sir, 4, sir, 6, sir. 6. AB is equal to what? Sir, AB is equal to CD. CD. Very good. Now, this is 6. This is 10. What is this? 8, sir. If this is 6 and this is 10, half news is 10 and this is 90 given, right? Sir, we should use Pythagoras theorem. Sir, you should use Pythagoras theorem. Yes. Pythagoras theorem. So it will be what? Sir, so it will be 100 minus 36. Which is? Sir, you will get 100 minus 36. 64 square, which is 64, which is 8 square. So it is 8. Yes or no? Right? Yes, sir. Can I say, angle D is equal to angle B. Yes. So this is BC is equal to DE. And angle B is equal to angle D. Right? Hayana. Yes, sir. So, are they congruent? Yes, it is congruent. Yes, sir. Yes, two sides and? One angle. Sir, the ABC is hypotenuse will be also 10. Sir, SAS congruence rule. Sir, SAS congruence rule. Very good, SAS. Anna? Chalo, awesome. Any issues? I hope all of you understood these concepts now. Anna? Yes. Okay, question number E. Sir, can I tell which triangle? Yes. Sir, ZXY and UXY. Okay. ZXY and UXY. Very good. Aditya? Okay. Aditya, focus here first. So, which two? Sir, which two information is given? Which three information given? Sir, angle Z is equal to angle U. Angle Z is equal to angle U. It is given. Sir, XY is equal to XY common. Which two? XY is equal to XY, sir, common. XY, say XZ is equal to, XZ is equal to UY, given. And no, XY? No, sir. No, sir. It is 3.8 and 3.9. Not common. They're not common, right? Not common. Are they congruent? Not congruent.
Not congruent. Yes or no? Not congruent. Not congruent. Clear? Any issues in this? No, sir. Sir, F1 is the easiest, sir. Just we yes, F1, just F1 we have done in class. Yes or no? Similar question. Yes, sir. We have done in class. Yes, sir. Right? Abhi hum log ne kaha this is equal sir, to this given here. This is equal to this given here. Right? This given or ye congruent hai. Ye same hai. RHS se prove ho jayega. RHS. Yes or no? Haan, sir. Haan, sir. Right? RHS. Yes or no? Very good. Jia, you are getting everything, Jia? Priya? Sandhya? Yes, sir. F wala SCS congruence se nahi hoga na, sir. नहीं नहीं होगा ना देखो यहाँ पे साइड साइड एंगल नहीं होता ना साइड साइड एंगल नहीं होता ना होता है क्या नहीं होता सर, है नहीं होता नहीं नहीं होता सर लेकिन नहीं ओके सानवी इज प्रेजेंट ऑल राइट सानवी इज प्रेजेंट ओके राइट सानवी इज प्रेजेंट ओके सर आप एक ही बार में अटेंडेंस भी कैसे देख लेते सर पढ़ाते पढ़ाते मैं देखता हूँ ना पूछता हूँ देखता हूँ ना ठीक है अब चलो अब थोड़ा सा अब देखो ये क्या है ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बन जाएगा टेल मी दिस इज ट्रायंगल प्रॉब्लम कैन यू सॉल्व इट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बिंदु ऑसम करेक्ट इजी बिंदु दिस एंगल इज एक्स सो दिस इज आल्सो एक्स टू साइड्स आर इक्वल देन यस सर राइट सर एंगल पी सर इट विल बी 50 यस सर वर्टिकली अपोजिट करेक्ट वेरी गुड बिंदु सो ट्रायंगल्स वाला कांसेप्ट इजी है ना हाँ सर राइट चलो अब देखते हैं वेट कॉन्ग्रुएंसी का ये वाला नाउ टेल मी दिस वन 143 का ए 143 ए टू ट्रायंगल्स तो साफ साफ दिया हुआ है नो इश्यूज है ना यू जस्ट हैव टू two triangles are there just have to see which two sides are equal so ab is equal to what sabko likho ab is equal to what mn then sorry ac is equal to mn ac is equal to mn sorry ac is equal to mn wait bindu wait I will check bindu hai na then bc sir, is equal BC to what to ml ml and then sir ab is equal to ln ab is equal to ln right so dekho okay ac aur ab mein kya common hai What is common in AC and AB? ऐसे देखेंगे AC और AB में A common है और MN और LN में क्या common है? What is common in MN and LN? N. देखो कब भी confusion नहीं हो फिर देखो BC और AB में क्या common है? B. B B लिख दो और यहाँ पे ML और LN में क्या common है? L. L लिख दो कितना easy है कि नहीं? शॉर्टकट दिस लाइक अ शॉर्टकट ऑफ होल कॉन्ग्रुएंसी हाँ कि नहीं इजी लगा कि नहीं हाँ सर राइट दिस इज फॉर साइड 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 वाले के लिए ओके make sense chalo next one b b jaldi se isi tarah se b karenge jaldi ye to aise hi dikha so you just tell I'll just say lmn lmn is congruent to what triangle lmn is congruent to what the ghi okay very good right hai na so sir it was order okay so lmn lmn जी एच ये तो दिया हुआ है साफ साफ इसमें कुछ करना ही नहीं है ये तो सर ऑर्डर में ये तो ऑर्डर में ही दिया हुआ है तो बच्चे वाला सवाल हो गया राइट बेइज्जती कर रहा है तुम लोगों का है कि नहीं सी हो जाएगा सी बच्चे वाला डी 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 देखना तो डी देखो हाँ सर हो गया ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं सर डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक्स वाई ओके डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड एक्स वाई वेरी गुड विच टू साइड्स आर गिवन सर डब्ल्यू एक्स और जेड वाई डब्ल्यू एक्स इक्वल टू जेड वाई वेरी गुड नेक्स्ट
Sir, xz equals to wy. xz is equal to wy. Awesome. Very good. And third one? Sir, xy is common. xy is common. See? Very good. Yes or no? Sabko samajh mein aa raha hai? Yes. So which two sides, which, so all the three sides are equal. So SSS congruency ho gaya? Yes or no? Tell me. Sir, yes, WXY congruent to ZY. Yes. Awesome. Very good. Ab thoda sa complex aa raha hai na? Okay. Chalo. Now next, I guess F also you can do. So let's do H. Everyone do H. Our screen stop ho gaya. Okay, haan, sorry. I mean, right. Screen stop ho gaya. Yes, sir. H. Sanvi, you're getting Sanvi? Sanvi? Haan, sir. Chalo, awesome. Haan, sir, ye bhi easy hai. Step by step. Okay, Bindu. First of all, write two triangles. So STU, triangle STU and triangle, very good, Bindu. PQR, first step. Second step, whatever is given, write it down. So what is given? Tell me, guys. ST is equal to what? PQ. Then SU equals to PR. Angle T is equal to angle Q. Yes or no? Sir. Now, what is the third thing that is given? SU equals to PR. SU is equal to PR. So which congruency is there? Yes. Side, introduce 90 degree and side. Tell me. SCS कैसे हो गया? SCS में क्या होना चाहिए? Side, ये वाला angle होना चाहिए था ना? SCS के लिए. Yes or no, Bindu? Included side or included angle होता है. Right? So it is what? It is RHS ना? Right angle, hypotenuse, yes, side, RHS. Clear? Tell me, clear? Any issue in that? Okay, I guess this is clear, right? This is clear. Sir, can I repeat, sir? I was disconnected. Okay, so I will repeat. And this, hypotenuse is equal, right? Right angle is equal and one side is also equal. So this is what? This is RHS. Okay, got it? Yes or no? Yes, sir. Any issue in this? No, sir. Chalo, next. 144. हम लोगों ने already कर रखा है. Yes or no? Sir, फिर से screen. Okay, sorry. 144 हम लोगों ने already कर रखा है. Yes or no? Tell me. Right? अंशिका मैम ने करवा दिया था. Yes or no? Yes, sir. Same ऐसा ही था. हाँ, exactly. Same था, है ना? चलो. Okay. So, let us see 145. Everyone, 145. अब तो congruency easy लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ सर. Simple है सर. If you just have to find the triangle, if you get to know the triangle, right, and what is given, then it is easy. Correspondence बस देखना है कि नहीं, right? Now if I tell you कि people find this difficult, so what could be the reason? Tell me what could be the reason? Sir, observation low. Exactly, right? First of all, triangle नहीं दिख रहा है ना? Triangle दिख रहा है and what is given is, right, what is given is there, then I guess it is easy to do the correspondence part, right? Ab dekho yahan pe 145 hai na. So I guess two triangles, all of you can identify the two triangles, LMN and ONM. Okay, so what all parts are equal? Tell me what all parts are equal. LM is equal to MO. MO.
LM is equal to what? ON. ON. Yes or no? Yes, sir. Then what? OM equals to LN. Yes. MN is equal to MN. And yes. OM is equal to LN. LN. उल्टा लिख देना मैंने ना यहाँ ओ एम इस साइड होना चाहिए था एल एम इस साइड होना चाहिए यस और नो यस सर राइट अब बताओ कोई कुछ बोल रहा है क्या आवाज बहुत मध्य आ रही है सर एम एन इज इक्वल टू एम एन हाँ वो लिखा ना एम एन इज अरे सॉरी एम एन इज इक्वल टू एम एन सर वही लग रहा था सर इट वाज जस्ट टाइपिंग एरर यस सर ओके सर सर इसमें तो सीधा सीधा एसएसएस लग रहा है सर एनी इश्यूज इन दिस इजी है यस सर चलो ऑसम वेरी गुड नाउ आई गेस ये हो जाएगा सेकंड पार्ट ओके नाउ अब थोड़ा सा सुन अब ये सब तो इजी सवाल है ना ये सब तो इजी सवाल है यस और नो अच्छा सुंदर सवाल देखें हाँ सर सीधा लास्ट राइट आई थिंक ये सब इजी नहीं लग रहा तुम लोग बताओ इजी लग रहा है नहीं लग रहा है हाँ सर स्टार्टिंग हार्ड लग रहा था बिजी है कि नहीं राइट देखो इस अब जैसे ये क्वेश्चन है 151 अगर ये इजी लग रहा है तो हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और काउंट करेंगे ठीक है 151 Yes, Tanushree, you have to write given, right? See, if it is given, you have to write given. Okay. Right? This Sunday, na, I've already given you the assignment, right? So this Sunday, we won't be having test. You have to complete the assignment for next Sunday, na, next Sunday, right? You practice all the problems of this assignment. I will have one test for congruency. Okay. Tumko steps samajh mein aa jayenge. Okay, Tanushree. जो मैं कर रहा हूँ ये वाला एक वीक है ना एक वीक का टाइम मैं दे रहा हूँ तुम लोग ये सॉल्व करने के लिए ठीक है ओवर वेरी गुड बिंदु ऑलरेडी ओवर ऑसम हाँ बोलो बोलो सर इधर DE इक्वल्स टू IH विच टू ट्रायंगल्स फर्स्ट विच ट्रायंगल्स इट इज इजी बी सर DEF और HIG HIG वेरी गुड सो व्हाट इज गिवन Sir, DE equals to IH. It is given, right? It is given, na? Given. You have to write it's given. Then? Sir, EG equals to FI. EG, yes. EG is equal to FI. It is also given. Sir, angle E equals to angle I. Angle E is equal to angle I. Kitna easy sawal ho gaya, nahin? Angle E is equal to angle I. SS ka lag raha, sir. It is also given. So this is equal to this, then this is equal to this, right? So which criteria is there? Yes, which criteria is there? Yes. SAS, very good, awesome. So by SAS criteria, you have to write like by SAS criteria, triangle DEF is congruent to triangle. Now DEF, DE. फिर क्या होगा डी इज इक्वल टू एच आई और आई इज इक्वल टू ई एच आई जी ओके एनी इश्यूज बिकॉज डीई इज इक्वल टू एच आई एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आई एंड आई जी इज इक्वल टू ई एफ नो आई जी इज इक्वल टू ई एफ नहीं दिया हुआ है क्या दिया हुआ है डीई इज इक्वल टू एच आई दिया हुआ है ई जी इज इक्वल टू एफ आई दिया ना EG is okay. Sorry. EG is equal to FI. My bad, my guy. Guys, EG is equal to FI. So this is common, na? This is common, yes or no? Right? So EG is equal to FI. So can I say, sir, GF plus EG. GF plus EG is equal to yahan pe dekho. GF plus EG is equal to FI plus GF. Yes or no? Can you add this to both sides? Yes, sir. Yes or no?
दोनों साइड ऐड कर सकते हैं ना. सो व्हाट इज GF plus EG क्या होगा? This plus this क्या हो गया? EF plus FI. EF है ना, EF. And what is FI plus EG? This is GI. सर आपका आवाज नहीं आ रहा. मैं तुम लोग सोचने का टाइम दे रहा हूं. Can you hear me? Yes, sir. Okay, तो ये सबको समझ में आएगा. लिख लो इसको, लिख लो इसको, लिख लो. यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कॉमन वाले को ऐड किया दोनों साइड ना, राइट? Yes or no? इसको लिख लो. Everyone, write it down. Okay, Tanushi, I'll repeat again. So first of all, what is given? DE is equal to HI. It is already given, है ना? And angle E is equal to angle I is already given. But instead of giving EF and IG equal, I have given EG is equal to FI. Yes or no? This equal to this. But mujhe to ye pura side chahiye na. So can I say, sir, EG, if you add GF to both side, we add GF to both side. It is same, yes or no? Equal cheese add kare dono side. Got it, Tanushree? So what is EG plus GF? GF plus EG is what? EF. And what is FI plus FG? This is IG. So ye equal ho gaya? Yes or no? Got it? Tanushree, yes, got this now? Okay, awesome. Awesome. Right. Very good. So anyone have any doubt in this? Now you know how to write also. Okay. Chalo, 153. Easy lag raha hai na, 153 jaisa hum logo ne kiya tha na record. Tell me. सर ए बी टर्न है सर, फिर भी 40 डिग्री. डी सी टर्न नहीं है, फिर भी 40 डिग्री सर. हां वो दिया हुआ है ना, इट्स फाइन राइट, इट्स फाइन है ना. सो यू जस्ट राइट ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी एंड ट्रायंगल, टेल मी ट्रायंगल ए बी डी सी बी राइट, डी सी बी. अब देखो व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, एंगल बी is equal to angle C. Pura wala. Ye pura equal to ye pura. Yes or no? Yes, yes or no? Then angle ACB. ACB is equal to what? This is equal to 70 degrees. Better rahega. Angle ACB is equal to what? Angle BBC. Very good. 30 degrees. Yes or no? Very good, Tanushree. Very good. Both Tanushree. Hai na? Okay, third. This side is common? Yes or no? This side is common? Yes, sir. So tell me, this angle and this side, this angle and this side, right? Which criteria is there? Which criteria is there? ASA. ASA. So ASA. And which two triangles are equal? Triangle ABC is congruent to triangle. Now, AB, see angle A, I don't know, sir, but angle B is equal to angle C. So, which means C is equal to. Then ACB is equal to DBC. Right? Or I can say angle D is equal to angle A. Sir, DCB. Right? Or BC is equal to BC. Yes or no? ABC. Sir, वहाँ पे आपने right में A. Sorry. This is D. This is D. My bad. कौन जगह A लिख दिया मैंने? This is D ना? Right? DCB. Make sense? Yes or no? Yes, sir. ABC, ABC is DCB. किसी को दिक्कत यहां तक में हाथ चलेगा? Okay? वो लोग हाथ उठाएं. Okay. नहीं वो दिक्कत के लिए उठाना चाहिए कि आ गया समझ में, ये हाथ उठाएं. ठीक है. अब खतरनाक प्रॉब्लम देखते हैं. 154.
diagram, if you understand the diagram, na, it is easy, right? Na? If you understand the diagram, it is easy. Now, this is a bit complex because you have to see the triangles. Kaun sa hai. सर मेरे को ट्रायंगल पता चल गया ओके वेरी गुड अपने से आपको सोचो लिखो बिकॉज इफ यू आइडेंटिफाई द ट्रायंगल देन इट इज सुपर इजी विच टू ट्रायंगल्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है ना QSR or RTQ already dia hua hai, right? You don't have to worry. QSR, triangle QSR and triangle QSR and triangle QRTQ, RTQ, hai na? Now, whatever is given, first write. So angle T is equal to angle S, yes or no? It is given. Then next, what is given? TR is equal to SQ given. And what else? Very good, Shreya. Correct. Awesome, Shreya. QR equals to QR. QR is equal to QR. Very good, Tanushree. Very good. Sab kuch samajh mein aa raha hai. Very good, Sandhya. See, that makes me happy. Mata kitne logo ko easy lag raha hai, kitne logo achha lag raha hai, ban raha hai. Yes, yes, ho gaya, sir. Yes, yes. Hai ki nahi? Achha, banta to achha lagta hai ki nahi? Shreya, you're not speaking today anything? Kaise? Haan, sir, ab maza aa raha hai. Hai na? आदित्य समझ में आ रहा है ना तो बताओ क्या हो गया राइट एंगल साइड और हाफ न्यूज विच कॉन्ग्रुएंसी टेल मी आरएचएस वेरी गुड सो अकॉर्डिंग टू आरएचएस विच ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यूएसआर इज कॉन्ग्रुएंट टू आरटीक्यू अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया उसका कोई भी पार्ट इक्वल होगा सीपीसीटी यस और नो राइट सो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड है ना दैट इज कॉल्ड एज सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ठीक है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बिकॉज इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द पैरामीटर्स आर इक्वल यस और नो Yes or no? Tell me. Clear? Chalo. Awesome. Right. अब देखते हैं कोई खतरनाक सा क्वेश्चन है क्या और ये एक लास्ट क्वेश्चन बचा नहीं लास्ट क्वेश्चन 158 बट ये भी तो इजी है हाँ या ना सर वो एक बार ऊपर करो देखो सर ये कौन सा क्वेश्चन है ये तो ट्रायंगल का है ना नॉर्मल ट्रायंगल का है ठीक है Right? This is normal triangle, है ना? Not congruency. So congruency का हमारा खत्म हो गया. Congruency खत्म हो गया. Right? अब बताओ congruency में डर लग रहा है किसी को? नहीं ना. किसी भी चैप्टर में डरना ही क्यों है? अगर हमको concept समझ में आता है, नहीं कि आप solve enough problems, then everything is easy. Right? Yes, sir. Okay? Sir, last one is yes. हाँ. So should we play Kahoot? Kahoot की बारिश. Yes, sir. Very good. Kahoot की बारिश की जाएगी. आज बच्चे सारे काउट्स खेलेंगे ठीक है राइट जितने भी बच्चे काउट्स हैं सब खेल लेंगे आज इस चैप्टर के सो जस्ट लेट मी देखा सर चल मैं सर फिर से यस को रेड में दिया सर हां सर सर आपने ट्रू फॉल्स रद्द कर दिया गाइस वाह सर फिर भी बहुत है सर ओके Given the length of two sides of other than the hypotenuse, can we construct a unique right-angle triangle? The answer is no. ये construction based है ना? Sir क्यों नहीं बना सकते sir दो क्यों sir दो side दिए तो sir तीसरी तो अपने आप बन जाएगी ना sir? Right-angle triangle जरूरी है क्या? You tell me. Sir tell me. अगर दो side दिया जरूरी है कि वो right-angle triangle बने? सर मगर अगर हाइपोटेनियस नहीं दिया है ना सर अगर हाइपोटेनियस नहीं दिया है तो जो दो लाइन दी गई होंगी सर वो तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही होगी ना थिंग इज इट नेसेसरी दैट इट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल टेल मी नो सर नो राइट गॉट इट
कैसे सर? देखो सर वहां पे क्या लिखा है सर, गिवन द लेंथ ऑफ द टू साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूस, मतलब दो साइड की लेंथ दे रखी है हाइपोटेन्यूस को छोड़ के सर, है ना? यस यस सर, जो दो लाइन है हाइपोटेन्यूस को छोड़ के सर, वो तो राइट एंगल ही बना रखी होगी ना सर, अगर हाइपोटेन्यूस हम एंड से जोड़ देंगे. वही तो तुम अज्यूम कर रहे हो दिस इज 90 डिग्री, यस और नो? हां सर, ये तो दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस नहीं दिया हुआ है. उससे राइट एंगल ट्रायंगल ही आएगा ना सर, वही तो गलत है, वही तो गलत है, ठीक है, वही तो अजम्पशन गलत है, समझे? सर कोई चिंता वाली बात नहीं सर, फिर भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. ये कब जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो ये इंग्लिश में ही कंफ्यूज करेगा, ठीक है, इंग्लिश में ही तुम कंफ्यूज करेगा सर, ऐसे मत समझे. ओके चलो ये देखो सब कोई. सर नहीं सर रुको सर, रुको सर, मैं रुका हुआ बिकॉज़ 20 सेकंड्स मिले, दया कर लो सर प्लीज सर. सर दया को बुलाओ सर. सर दो दो बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ. ये होगा ये सॉल्व, यू विल हैव टाइम राइट? हाँ सर प्लीज सर, आराम से सॉल्व करो, नो इश्यूज, आराम से सॉल्व करो. सर मैंने देख रहे हैं सर. यस वो गलत बन गया सर. सर प्लीज सर रुको सर, मैं रुका हुआ हूँ राइट, जो मैं पॉज कर देगा जो सर पेन फिर दिस वाज इनफ टाइम, दिस वाज इनफ टाइम. सर ये पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर मैच हुआ है सर. हाँ सर अब मेरा पक्का सही होगा, मैंने इस बार एबीसी या एसीबी सब देखा है. सही होना चाहिए. अरे सर गलत हो गया सर, और ने सर सर ये क्या बात हुई सर, मैंने रॉन्ग किया पिछला क्वेश्चन, मैं फोर्थ में था, मैंने सही किया और मैं आगे नाइन्थ पे. बस बाकी लोग सही किए होंगे, देखा एबीसी और पीक्यूआर में एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, यस और नो? सर मैंने पूरा सोच समझ कर सर आंसर सही आया था, सर आंसर सही आया था सर, क्यूपीआर भी मैच सर, पक्का ना बिल येलो मारा सर, एबीसी देखा ही नहीं सर, एसीबी दबा दिया. ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज सीए इज इक्वल टू सॉरी बीसी इज इक्वल टू पीआर, है ना? यस राइट, साफ साफ दिख रहा है ना, एंगल सी इज इक्वल टू राइट, तो लिख दो एबीसी पे, लिख दो एबीसी लिख दो पहले. ओके सो ए एंगल ए राइट, सी इज इक्वल टू आर, लास्ट में आर डाल दो, बाकी बचा क्या? बाकी बचा दो. सो ए बी नहीं है सर, ए सी, ए सी इज इक्वल टू आर क्यू, तो यहाँ पे क्यू होना चाहिए, बचा पी, बीच में पी डाल दो सर, क्यू आर पी, क्यू आर पी सर राइट, इजी इनफ, समझ में आ गया, हाथ डालो. Yes, sir. Okay, चलो नेक्स्ट वन सर, आप देखोगे तो चौंक जाओगे. आदित्य आ गए, वेरी गुड, दिस वन जल्दी जल्दी सर, मैं कंफ्यूज हो गया सर, अभी किया कि नहीं किया, अभी जस्ट किया है. हां प्रेशर बहुत बड़ा हो रहा है मैं सर, मैं डायग्राम सर, मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा जो दोनों चिपके नहीं होंगे. सर सब लोग दे दिए, वेरी गुड, चलो 10 लोग सही हैं, ऑसम, है ना राइट? सर बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. देखो पी क्यू आर ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एंगल देखो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, बीच में आर डाल दो. Then PS, sorry, PR is equal to SQ, right? And
and what? QR is equal to QR. So QR is equal to QR. है ना सही आर क्यू क्यू आर और यहाँ पे फर्स्ट में एस होना चाहिए बिकॉज पी आर इज इक्वल टू एस क्यू एस सो एस आर क्यू राइट सर सर आप इजी क्वेश्चंस के लिए ज्यादा टाइम देते हो सर और आप हार्ड क्वेश्चंस के लिए कम टाइम देते हो सर मैं पूछ के ही करता हूँ ना ओके आग लगा दे अरे सर मैं जूम में ही रह गया वेरी गुड सी इतना जल्दी तो आज तक आंसर नहीं मिला है कौन है सर वो रॉन्ग किया सर मेरा रेड गया सर मैं सर आदित्य का रॉन्ग हो गया चलो कोई नहीं ये देखो तो मैं रेड गया ये हम लोगों ने अभी किया है कि नहीं टेल मी अभी जस्ट किया कि नहीं नया काउंट करा रहे हो सर सर नया काउंट करा रहे हो और आर ए This is true for, okay, this is easy, this is easy. Sir, ye to sochna padega. Haan sir, ho gaya. Maine apne jaan pe khel ke sir, ye question ka answer daba. Aur main sahi hu sir, ye. Oh my god, kaise? Aur main haar gaya sir. Ye kaise ho gaya? Ye haar gaya. ध्यान दो सबको आर एम क्यूब ये तो इमरजेंसी हो गया इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू एन आर तो अकॉर्डिंग टू आर एम और क्यू एन ढूंढ रहा था आर एम शुड बी इक्वल टू क्यू एन एम क्यू शुड बी इक्वल टू एन आर आर इसमें क्या दिमाग लगाना सर ये मतलब क्या गड़बड़ कैसे हो गया आंख अपना फेवरेट कलर दबा दिया ना सर सब लोगों पी 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 तो आना ही नहीं चाहिए पी तो आना ही नहीं चाहिए यस और नो कौन सा सर नहीं आना चाहिए पी 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 हां सर वही बोला मैं सर पी तो मतलब पी 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 वाला जब भी आना ही नहीं चाहिए पी वाला किसे गया मैं ये सोच रहा हूँ वैसे कुछ नहीं भी आता ना तब भी सही हो जाएगा यस और नो सर पी कंफ्यूजिंग कर दिया था अगर मैं पोडियम में हूँ सर मैं पूरा काहूत नहीं खेल पाया सर कोई बात नहीं सीखे ना बट फर्स्ट सर ये होती है सर बढ़िया चीज सर मैंने सही किए 3 out of 5 फिर भी देखो सर कौन सा दिखा रहा है 8 out of 10 वाह सर ये क्या था ना ट्रायंगल से आप रेक्टेंगल पे क्यों आ गए दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट्स इट हां सर लेकिन गलत हो गया ये गलत बोला फॉल्स ना हाउ कम इट इज सर मेरा सही हो गया ये देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है रेक्टेंगल सर यू मीन रेक्टेंगल सर यस रेक्टेंगल्स ओनली सर आप ट्रायंगल बोले क्या सवाल है सर मेरे को समझ नहीं आ रहा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना दो लाइन सर मैं फिफ्थ पे था सर अरे नबी की सर कैसे पॉइंट भी अरे सर सर कैसे सर ठीक है चलो ये बताओ ये सर ये बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है सर मजा हाँ सर सर ये गलत होगा शायद से मेरा सर पिछले सर पिछले क्वेश्चन में कैसे होगा सर सर पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक साइड का दिया था ना सर दोनों सेम लाइन है लाइन के लिए दोनों का 3 centimeter सर दोनों 3 centimeter है दैट इज करेक्ट सर ये क्या हो रहा है सर समझ नहीं आ रहा क्या ये बताओ ट्रायंगल्स टू ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट
अरे सर सिर्फ पहला वाला ऑप्शन गलत है सर, कभी कोई मत डालना। अरे चुप रहो। मैं 13 पोजीशन ये क्या है सर, देखते कौन सी पोजीशन में आता सर, ये क्या है सर? हां यस सर, ये क्या था सर, मैं फर्स्ट पे था सर। सर 49 पॉइंट्स बिहाइंड नबील। हां सो करस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स गलत है ना, करस्पोंडिंग वर्टिसेस तो होना चाहिए। यस और नो सर? मेरा सही है। हां सर सर मेरा सर, मुझे लगा मैं फर्स्ट पे आ गया हूँ। सर ये कितना मस्त मस्त क्वेश्चन पूछ रहे हो। अरे सर गलत कर दिया सर, इतना इजी क्वेश्चन। मेरा भी गलत हो गया, बहुत लोग गलत कर रहे होंगे। सर आई एम जस्ट लाइक फाइव सर, लेट्स गो। नाउ टेल मी दिस गाइस, टेल मी दिस सर, ये तो त्रिशि मैम बोल रहा हूँ, अंशिका मैम ने भी बताया था। यस नवील बोल रहा था सर कि सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मगर वो बोल रही थी कि ओनली व्हेन द लेंथ इनसाइड इक्विलैटरल अक्यूट सेम साइडेड ट्रायंगल, राइट? यस और नो, साइड का लेंथ डिफरेंट होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ना? हां सर, बहुत लोग का कैसे फाइनली सर बयान का सही हो गया। अरे जस्ट फाइंड इट एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रायंगल्स, ये तो सुपर इजी है यार। नहीं सर क्या कर दिया मैं सर, लगता है अब मैं फर्स्ट तक, अब मेरे को फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द होल लाइफ आंसर स्ट्रिक 5 6। अरे ये तो अभी किया हम लोगों ने, अभी जस्ट सर सेम टू सेम सर, पर मैंने बहुत टाइम क्यों लिया सर, शायद से मेरा गलत है। सर मैं तो मानु सर एंसेस्ट्रिक तोड़ने का रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो ये बताओ ट्रू फॉल्स? अरे अरे सर फिर से गलत हो गया मेरा, इतना जल्दी आंसर दो तो गलत नहीं होगा सर। पीछे चले जाते हैं ना सर। सर मैं 11th उधर ही घूम रहा हूँ सर। सर स्किप करो सर। ओके छह लोग सही हैं, ये मैंने अभी बताया सर। आठ लोग प्रश्न गलत सर। देन व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट इज दिस एंगल सर? 42 डिग्री। मतलब this equal to this, this equal to this and this angle is equal, so SAS ho gaya. Haan sir. So true false sir, kaun hai ye 8 log? Waise sir main bhi hu, galti se chalo next main bhi hu bhai speak ki parallel kya karna hai सर? बस चार आंसर, 5 6 7 8 9 सर, ये मैं रॉन्ग हो गया सर, पक्का 13 नहीं 12। ओ सर दो दो आंसर कैसे सर? सर उल्टा उल्टा कर रहे हैं गाइस। दो अगर दो एंगल इक्वल है तो कितना एंगल इक्वल होगा? यस और नो सर? इस चार्ज आप लिख देते आर एच ए। अरे चीज सर आप मल्टीपल चॉइस कर देते, कोई भी नहीं सर, पर ऐसे ही लिख देते। मतलब अगर हम मल्टीपल चॉइस है सर, ये सोच रहा था सर। अरे यस तुम को दिस हो गया। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन गाइस, दिस इज आल्सो डबल पॉइंट्स, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रेंड्स काहूट। हो गया सर गलत। सर मुझे लग रहा है अब मैं पक्का फर्स्ट आऊंगा सर, पर मैंने आंसर स्ट्रिक बना दिया सर। से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है सर, मेरे आंसर भी आंसर ही कर रहा है सर। ओके 9th में तक रहे, वेरी गुड। यस सर मैं 9th में आ गया। सी आरएचएस के लिए हैप्पी न्यूज़ इक्वल मच मैं 6th आ गया। हैप्पी न्यूज़ सर इक्वल यस the side is common, this is 90 degree, but half new should be equal, so AB should be equal to BC, AC.
राइट, ए बी शुड इक्वल टू ए सी। सर देखो सर मेरे 10,000 पॉइंट्स हो गए। वेरी गुड, यस फर्स्ट। सर मम्मी को दिखा के आया। नॉट वेरी गुड मुझे पता था। वेरी गुड सर, आई विल अच्छा करता हूं। विहान बहुत खुश होगा आज। फर्स्ट वेरी गुड विहान। सर नाच रहा हूं। सर मैंने आंसर स्ट्रिक बनाया सर रॉन्ग का। ओके आई गेस सानवी 76 हो गई। सर मैं 90 में आ गया। सर नबील है 6 सर। चलो ओके राइट। सो आई गेस वी हैव डन ऑल दीज कहूट्स। यस और नो? नहीं एक बार और सर, अभी तक पता नहीं सर हुए कि नहीं कंफर्म। ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है ऐसे एक बार देख लेते। हाँ सर ऐसे और ए सेम है ना सर, इसलिए वो दो थे। आप दोनों सेम है, दोनों सेम है सर। लेकिन मल्टीपल मतलब सर फिर तो मतलब ऐसे और एसएस और एसएसए नहीं ना। द रीजन बीइंग व्हेन यू से एएएस इफ टू एंगल्स आर इक्वल थर्ड शुड बी इक्वल। यस और नो? यस सर। इफ दिस एंगल इज मैं लास्ट में जॉइन कर रहा हूं। दिस एंगल इज सपोज वी आर टॉकिंग टू एंगल्स राइट, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज। अरे सर बहुत गंदा नाम आ गया सर, क्लिक करो सर प्लीज सर। क्या नाम रखा सर? चलेगा चलेगा सर प्लीज सर। सर लीव करूंगा फिर भी रहेंगे सर। सर मेरा लीव करना है ना सर, ऐसा बोल रहा है। मुझे मत रिमूव करना सर प्लीज। सर फिर से डिस्को डांस शुरू हो गया सर। इसका ऐसा लगता है सर कि एक ही क्वेश्चन बार बार आता है। किया हुआ है, किया हुआ है सर, तुम हटा क्यों रहे हो सर? ये किया हुआ है इसीलिए। आई रिमेंबर सर, फिर भी सर ऐसा थोड़ी ना याद रहता है सर। सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो सर। याद नहीं रहता है सर, आपने देखा सर। सर हम रट्टा नहीं मारते सर, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते है ना सर। तो ये बहुत इजी है, दिस इज 10 सेकंड प्रॉब्लम। दिस एंगल देखना होता है दो सर आपके लिए। 10 सेकंड्स और बोला था ना सर। सर क्यों सर? देखो 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 कैसा एंगल। रीड ही नहीं करना दिया। अरे तुम लोग मुंह बंद करके रीड करो तब ना। ए इज इक्वल टू व्हाट? ए इज इक्वल टू क्यू। बस हो गया सर, खत्म। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा सर? फिर भी सर बाकी ऑप्शन देखने पड़ते हैं ना सर। ठीक है तो ए और क्यू है ही नहीं कहीं पे, खत्म। ठीक है चलो नेक्स्ट। अब इसमें टाइम देंगे, बताओ। हो गया सर, चलिए शुरू करते हैं। हो गया सर, शुरू तो करो सर। सर इसमें तो आरएचएस लगाना चाहिए। सर इतना टाइम दे रहे तो लिख ही देता हूं। ओके चलो अब देखते हैं। अभी सर अब नहीं दे रहे हो टाइम। अरे तो अभी दे दिए ना, और कितना टाइम चाहिए? और सर एक सेकंड था, कोई नहीं सर। सर मैं काउट के पेज में था, बाहर आ गया। सर मेरा गलत हो गया सर, सॉरी सर। सर मेरा गलत नहीं हुआ सर। सब लोग ब्लू वाला दबाओ सर। इन लोग को पता रहता इनका गलत है कि नहीं, खत्म होने के बाद ब्लू वाला दबाओ वरना मार खाऊंगा मैं। चलो ये बताओ सेम। हां सर हो गया सर, नेक्स्ट करो, मेरे को याद आ गया सब। सब लोग इस बार भी ब्लू वाला दबाना ठीक है, ताकि मेरे को पॉइंट मिल जाए। हां क्योंकि उल्टा उल्टा किया सर। सर सब पता है सर। हो भी गए सर, स्किप। सर 6 out of 10 कौन है वो दो लोग? ये देखो जल्दी से अभी की आप लोगों ने। हाँ सर अभी रुकना, हो गया सर। सर प्लीज सर, सर सर प्लीज। सर
अच्छा बीच में वो भी है, ओके हो गया सर। ओके चलो स्टार्ट करें। सर बहुत लेट लग गया सर, ये मेरा टोटका अगर काम करेगा सर, फर्स्ट दो को याद रखने का। यस मेरा टोटका काम करेगा सर। कैसे इतना गलत कैसे हो रहा है सर? एस पी इज इक्वल्स टू आर क्यू, मैंने ये याद रखा। दिस एंगल इज इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस वर्टिकली अपोज्ड एंगल, यस और नो? सर कौन है ये लोग? सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यस और नो? राइट, बिकॉज़ दो एंगल इक्वल है तो इसका भी इक्वल होना चाहिए। सर एस पी इज इक्वल्स टू आर क्यू सर, बस मैंने ये याद रखा। राइट, पी ओ क्यू इज इक्वल टू व्हाट? नाउ पी ओ क्यू, so angle P is equal to angle S, angle O is equal to angle O, right? Sir, sir ये हमने शायद परसों किया था सर। Yes, so P Q O कर दोगे तो क्या हो जाएगा? S R O हो जाएगा। किया था, still इतना गलत हो रहा है, बताओ। सर हमने सिक्स पे आ गया हूँ सर। सर ये बताओ। सर ये पूरा काम सर हमने परसों किया था सर, ये पूरा काम। Yes, किया था, still गलत हो रहा है ना? सर एक सेकंड। सर ये वो ही नहीं है? नहीं, यस और नो है? सर ये दूसरा क्वेश्चन है। ओके ओके हेलो सर, अब स्किप भी कर दो। देन नहीं सर प्लीज, देन यस सर स्किप कर दो सर, अब मेरे को समझ आ गया सर। गाइस सब कोई हो गया, सब कोई पढ़ लिया एक बार? यस सर, ये तो बहुत इजी है सर। सर मैं इसमें फिफ्थ आने के पूरे ट्राई करूंगा सर। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रेज का हूं, लास्ट क्वेश्चन को। अरे इतना जल्दी आंसर हो गया? अरे सर फिर भी सिक्स्थ पर आ गया मैं। सर आप 10 क्वेश्चन करके हमें लालच देते हो और फिर पांच ही क्वेश्चन सुनने। हां सर आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 5 तनुश्री, वेरी गुड तनुश्री, बोथ तनुश्री, इसका तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, बोथ तनुश्री। कार्तिकिया वेरी गुड कार्तिकिया, 5 आउट ऑफ 5 ऑसम। सर मेरा 4 आउट ऑफ 5। चलो वेरी गुड।